हरलाखी प्रखंड मुख्यालय उमगांव स्थित दीनदयाल प्लस टू उच्च विद्यालय परिसर मैदान में तेजस टीवीएस द्वारा प्रायोजित फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब का 30वीं चैंपियन क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज शुक्रवार को किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन 48वीं बटालियन जयनगर एसएसबी के सहायक सेनानायक तासी पलदन, जिला परिषद सदस्य सीमा यादव, तेजस टीवीएस के संचालक सह राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश महासचिव डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा, वीडियो कृष्ण मुरारी, पंचायती राज पदाधिकारी अमित अक्षय मिश्रा एवं बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा प्रबंधक बेचन यादव समेत अतिथियों के द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं उद्घाटन से पूर्व जिला परिषद सदस्य सीमा यादव ने पूजा पाठ कर नारियल तोड़ आगाज की। अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन समारोह का विधिवत शुरुआत भी किया गया। पहला मैच नानपुर सीतामढ़ी बनाम जितेंद्र 11 बिजिया के बीच खेला गया, जहां नानपुर की टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 187 रन का लक्ष्य जितेंद्र 11 दिघिया को दिया। जवाब में दिघिया की टीम 19.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 144 रन बनाया। 43 रन से नानपुर की टीम ने मैच को जीत लिया। मैन ऑफ द मैच 76 रन और 2 विकेट लेने पर नानपुर के धीरज को दिया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सहायक सेनानायक ने कहा कि खेल मानव के लिए बहुत जरूरी होता है। खेल से युवाओं को आगे बढ़ने का प्रेरणा मिलता है। खासकर आज के युवा नशा आदि का शिकार हो रहे हैं, इसलिए ऐसे चीजों से बचते हुए आगे बढ़कर अपने लक्ष्य की तरफ प्रयास करने की जरूरत है, तब जाकर आप भारत के एक सच्चे नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। मौके पर FCC के पूर्व अध्यक्ष राजकिशोर यादव, अध्यक्ष शशिभूषण यादव, सामाजिक कार्यकर्ता विजय मार्शल, MSU के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन, ऋषिकेश झा समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। आज के मैच के बारे में बताइए। आज हमारा 30वीं चैंपियन कप टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह है, जो 5 जनवरी को उद्घाटन मैच दिघिया बनाम नानपुर सीतामढ़ी का। अच्छा, उद्घाटन में कौन कौन अतिथि लोग शामिल हुए थे? उद्घाटन में कमांडेंट साहब जयनगर सीमा यादव, जिला परिषद से संख्या 1, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी डॉक्टर सुनील, मैत्री हॉस्पिटल डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा, विजय मार्शल और गणमान्य लोग थे। कैसा रहने वाला है इस बार का टूर्नामेंट? 5 साल से ज़्यादा भी रोमांचक होगा, क्योंकि कुछ टीम जो है नई टीम है, जो जैसे सुपौल की टीम है, जनकपुर की टीम है, पुलप्रास की टीम है, तो मैच जो है अगले साल से ज़्यादा रोमांच होने की स्थिति में। कितने मैच खेले जाएंगे? 9 मैच होगा, 10 टीम भाग ली हुई है। दर्शकों से क्या कहेंगे? दर्शकों से कहेंगे कि आप आके शांति से मैच का लुत्फ उठावें और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ सके। और कुछ ही देर में टॉस उछाला जाएगा, देखने वाली बात होती है। टॉस किसके लिए बात? रोमांचक मुकाबला। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।